आपसे बार बार बात होती थी और फिर मीटिंग नहीं हो पाती थी। प्रतीक पटेल इज डायरेक्टर ऑफ अनलॉक टेक्नोलॉजीज। The reporter describes his objective of using social media for the election campaign of his boss. Prateek is quick to respond that he will have to buy a database for sending out mass SMS. He adds that there are many restrictions in India regarding flash burst of SMS. So the standard practice is to carry out the SMS burst from Singapore. What SMS kitne kar sakte hain? SMS तो हम लोग डेटाबेस खरीदते हैं तो ही हो सकता है, SMS का कोई वैसा नहीं। हम लोग जो डेटाबेस खरीदे, ओके, SMS भेजने का जो है अभी यहाँ से इंडिया से प्रॉब्लम हो गया है। यूजुअली अभी इंडिया से नहीं भेजते, सिंगापुर से भेजते हैं, ठीक है। एंड सिंगापुर से रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, यहाँ से भेजेंगे तो रेस्ट्रिक्शन रहता है। और वहाँ पे अलग अलग नंबर से भेजे जाते हैं, सो वो एक अलग ही प्रोसेस चालू हो गया है। कॉस्टली पड़ेगा वो? कुछ 35 पैसा जितना गिरता है, 35 या 30 पैसा जितना भी गिरता है। पहले जो 5 करोड़ का काम है। Patel says Singapore is a better location for sending out text messages to recipients in India because there are no restrictions in Singapore. Besides, the messages can be sent out from multiple numbers that further help evade identification. He says Singapore mein restriction nahi rehta hai. Yahan se bhejenge to restriction rehta hai aur wahan par alag alag number se bheje jate hain. He further explains the magic that instruments such as YouTube can produce in campaigns such as these. और आपके YouTube पे जो वीडियो डालते हैं वो जनरेट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से टीम बिठानी पड़ेगी? पहले तो वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाने के बाद वो ऑनलाइन जाता है। सो पहले उसके बारे में जब उसको हम पसंद कराएंगे तो कैसे होगा? ये हमारे लाइक्स जो है 5 लाख, वही लाइक पसंद करेंगे उसको? ट्विटर वही लोग को, और वो वायरल रहते, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो लोग रहते हैं। अभी हम लोग जो नया ट्रेंड करते हैं, ओके, थोड़े टाइम पहले जो किया था, एक क्लाइंट के लिए उनका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। सो वो प्रोडक्ट को यूट्यूब पे तो डाला था, बट उसका एक छोटा सा क्लिप बना के फाइल साइज एकदम कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद हम लोग ने व्हाट्सएप पे डाला एंड व्हाट्सएप पे सबको फॉरवर्ड किया मोबाइल पे। तो व्हाट्सएप पे जैसे वो आता है, मैं मोबाइल के थ्रू मेरे दूसरे जो लिस्ट में उन लोग को भी भेजना चालू करता हूँ। ओके, आप यूज करते हो व्हाट्सएप? ओके, सो मोबाइल में नया एक एप्लीकेशन है जो SMS से ज्यादा पॉपुलर है अभी। ओके, लोग अभी SMS कम करते हैं लेकिन व्हाट्सएप जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। बीच में कुछ रिपोर्ट आई थी ये IMAI, इंडियन मोबाइल एसोसिएशन, एक ऐसा एक गवर्नमेंट बॉडी, एक रिसर्च बॉडी है। वो रिसर्च बॉडी का रिपोर्ट था के 70% SMS जो है वो ड्रॉप हो चुका है। जो लेटेस्ट चीज आ गई है अपनी, हाँ, ये जो सारे वोडाफोन और वो सब जो है उनका जो रेवेन्यू था वो ड्रॉप हो चुका है SMS का रेवेन्यू। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में भी जो है सबके पास व्हाट्सएप करके एक एप्लीकेशन है, वो है, उसी में वो लोग डालते हैं। उसमें होता है क्या, व्हाट्सएप में मैं जितना भी मैसेज भेजूं, मेरे को हर मैसेज का पैसा नहीं लगता है, वो मैसेज इंटरनेट के थ्रू जाता है। ब्लैकबेरी में कैसा है, वैसा सिस्टम है। 2014 Patel described a relevant service that he provided to a corporate client. His company had made a small video in compressed resolution and mass forwarded through an application called WhatsApp on mobile devices. He goes on to describe how WhatsApp has replaced SMS by 70% market share, according to a recent report published by Indian Mobile Association. Moving on to Facebook, Patel describes the nature of the bang that his client would get for his buck. आप यूज करते हो WhatsApp? नहीं। और दूसरा जो है ऑलरेडी जो बने हुए हैं, ओके, एक दूसरा भी कर सकते हैं कि हम लोग बाय भी कर सकते हैं। वही मैं चाहूँ ना, बाय करने वाला इसी होगा। बाय में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो बाय है, इंडिया, आप देखो इंडियन बंद देखिए, इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि वो वैसा नेटवर्क बना नहीं है इंडिया में। अगर US का रहता था या वो रहता था तो फिर अपने को तुरंत मिल जाता था क्योंकि वहां पे वो एक सिंडिकेट बन चुका है। लोग जो है वो लाइक करते हैं और पैसा ले लेते हैं, वैसा है, ठीक है। इंडिया में वो चैनल नहीं है, इंडिया में 1.5 करोड़ जितना तो और भी कुछ, फिर उसमें सिर्फ लाइक नहीं रहेगा, 1.5 से 2 करोड़ अगर हम लोग रखे तो ये भी रहेगा अपने को जो कंटेंट बनाना है,
क्योंकि सिर्फ लाइक नहीं रहेगा, अपने को उसमें पेज पे दाग वो सब चीजें कि भाई ये हुआ ये हुआ वो हुआ, तो 1.5 करोड़ का पैकेज होगा ये पूरा पूरा, 1.5 करोड़ में हमारा काम हो जाएगा, सारे 5 लाख लाइक्स आ जाएंगे, 5 लाख ट्विटर पे लोग आ जाएंगे और ये हमारे लिए ही काम करेंगे रात दिन, जो बंदे बैठेंगे सब अपने बना बना के अकाउंट फेक अपना हमारे लिए काम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा It is ironical that the country best known for its strict penal code is the preferred location for sending massed text messages. It is surprising discovery for us that Singapore is more tolerant to sending out mass communication over SMS than it is in India. As Patel says, अगर US का रहता था या वो रहता था तो फिर अपने को तुरंत मिल जाता, क्योंकि वहाँ पर वो एक syndicate बन चुका है, लोग जो हैं वो like करते हैं और पैसे ले लेते हैं, वैसा है ठीक है, इंडिया में वो चैनल नहीं है, इंडिया में। Patel confidently informs the reporter that a syndicate has been formed in countries such as USA, such that sending out mass SMS is made effortless. The cost of this service indicates that election campaign through social media is no mean project. दूसरा से 2 करोड़ का बजट, क्योंकि 100 कंप्यूटर भी लगाने पड़ेंगे, इंटरनेट लाइन लगेगा, 100 कंप्यूटर, तो इंटरनेट लाइन अगर लगाएंगे तो उससे हमारे बारे में तो चल जाएगा, हम खुद ही करा रहे हैं अपना काम, आपके नाम पे नहीं रहेगा, हमारे अच्छा, नाम पे रहेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, इसका पेमेंट कैसे होगा? आप कैश कर पाओगे, चेक कर कैश ही करेंगे, चेक का तो मतलब ही नहीं है, दो नंबर काम, दो नंबर में देंगे पेमेंट सारा, ब्लैक का तो कोई वेंडर को बोलेंगे वो देगा आपको, हमारा तो ऑलरेडी निकाल लें, 100 करोड़ का बजट है। Patel will accept 1.5 to 2 crore rupees in cash. Has Patel forgotten the existence of the Income Tax Department of India? Well, he also seems to have forgotten that it is uncool to engage in negative propaganda. ये 5 लाख के जगह पे हम लोग अगर उसको लाख लोग लाइक ना करें, बट 20,000 ये मैं कह रहा हूँ, 5 के 5 नहीं करें, 20,000 का। हाँ, 20,000 ही लाइक करें। 20,000 ही बहुत होते हैं। हाँ, और वो शेयर कर दें। और वो 20,000 जो है वो आपको लाइक नहीं करेंगे, हमें लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो 20,000 आपको लाइक करेंगे होगा क्या कि जब उसको वैसा वो मैसेज को जब 20,000 लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनका पार्टी में भी कोई अगर रहेगा वैसा, तो वो क्या करेगा कि वो जाके चेक करेगा कि कौन है सारे लोग जो लाइक कर रहे हैं, तो वो चेक करेगा बाद में कि इन्होंने इसको इनको लाइक किया है ना, आप जहाँ से हो उनको लाइक किया और अपने को वो लोग जो है डिसलाइक कर रहे हैं। ओके, ये पता चल सकता है क्या मतलब ये? हाँ, यानी वही बोल रहा था, ये 20,000 जो है वो आपको लाइक नहीं करेंगे, ये 20,000 हम लोग सिर्फ अकाउंट बना के वैसे रखेंगे जो किसी दूसरे को ये करेंगे डाउन करने के लिए, डाउन करने के लिए। हम नहीं चाहते आपका भी नाम इस्तेमाल हो कहीं। Patel's strategy involves getting an additional 20,000 accounts opened by various people. These accounts will not be used for generating likes on social media. These 20,000 accounts will be kept aside for generating fake dislikes. This method will give the whole exercise a facade of authenticity. This is a masterstroke, and such foresight is possible only after significant experience in the industry. And Patel will do even better. He will invoke his global network for his client's project. इलेक्शन हम जीत गए, हम मंत्री बन गए, तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कहाँ से फिलीपींस से आया था, किसी का आया था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिलीपींस से आया था वैसे मालूम भी नहीं पड़ेगा, सब नहीं इंडियन नहीं। नाम ही रहेंगे। अच्छा, काम जो कर रहे हैं वो लोग फिलीपींस से कर ओके, रहे हैं। नाम इंडियन ही रहेंगे। हाँ, इंडियन ही रहेंगे। मैं सोच रहा था कि जैसे अभी आप टॉमी वॉमी नाम बता रहे, जैसे हम लोग सूरत में और गुजरात में आदमी लोग लगाएंगे जो लोग ये काम करेंगे, वैसे ही जो फिलीपींस में हमारी जैसी कंपनी रहेंगे उनको मैं बोलूंगा कि तुम्हारा जो स्टाफ है उनको ये नाम है, ये नाम से आप अकाउंट खोलो, ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो पार्टी है ये पार्टी के बारे में गंदा लिखना। हाँ, ये इस आदमी को डाउन करना है, पर्टिकुलर आदमी को भी, पार्टी को भी, ये पानी। Patel says he will engage Indians residing in Philippines to work on fabricating the online campaign for the fictitious Netaji. He says, "Sab Indians naam hi rahenge. Kaam jo kar rahe hain, wo log Philippines kar rahe hain." Another masterful strike from Patel. How would anyone ever know a comment by an Indian can originate from any part of the world? Patel says he will instruct his team sitting in Philippines. Ye naam se aap account kholo, theek hai? Aur ye particular jo parties hain, ye party ke baare mein ganda likhna hai.
Patel is indeed a cautious man, and the following is another instance of his innovative manner of running a business. करना भी कैसे करेगा कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कहीं पे ना आए, यानी जो कंपनी के थ्रू मैं करूंगा, मैं मेरे ये कंपनी है मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके थ्रू नहीं करूंगा जो भी काम करवाएंगे, ठीक है, सूरत में और भावनगर में वहां पे भी जो सेटअप करवाएंगे वो सारा जहां तक होगा वहां कैश के उसमें करवाएंगे, ओके, एंड जिन लोगों को लेंगे वो लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करा लेंगे कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो लोग कहीं पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये आप कर लेंगे? बढ़िया, अच्छा आइडिया है। अब वो एग्रीमेंट तो वैसे नाम का होगा, सिर्फ जो आदमी काम कर रहा है उसके मन में थोड़ा डर रहे। अब अगर वो कुछ बोल भी देता है तो हम लोग उसको ज्यादा उसको ठीक है दबा के रखे तो दबा के रख देंगे, ठीक है। Patel will not action this campaign project through his own company because it is a private listed company. He explains to his client that the team set up for this project will be bound by an agreement. He says, agreement pe वैसे तो नाम होगा सिर्फ जो आदमी काम कर रहा है, उसके मन में थोड़ा डर, अगर वो कुछ बोल भी देता है हम लोग उसको दबा के रख दें। Unlock Technologies works its way around pretty much all the restrictions imposed by the Indian laws and exploits the telecom and IT provisions available in other countries. There seems to be little that can be a deterrent to unethical business practices for this social media consultancy firm.